हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक लेटेस्ट सरकारी नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो जॉब जो है, ये बैंक की जॉब है। अगर आप वाकई में जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हो, तो आप इस वीडियो को देखना, वरना अपना टाइम वेस्ट मत करना इस वीडियो के ऊपर। तो ये जो पोस्ट जो निकल के आई है, ये क्लर्क की पोस्ट है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आप लोगों को ज़्यादा मिलने वाली है। एंड इसका जो एप्लीकेशन जो है, वो 10 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। टाइम भी इसका कम है, कम से कम टाइम में आप लोगों को अप्लाई करना है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, सब डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं जॉब्स के लिए, अगर आपको जॉब की नीड है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, वरना अप्लाई मत करना। फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। एंड इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आती है, सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक जरूर करना। एंड फाइनली मैं आपको ऑफिशियल बताना चाहूँगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इस जॉब्स की वैकेंसी का ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं डायरेक्टली आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन वगैरह सब बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तो जरूर देखना, स्किप मत करना वीडियो को। गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। एंड इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, ये जो जिस बैंक में रिक्रूटमेंट आई है, वो कर्नाटका बैंक के लिए आई है। आप लोग स्टेट के ऊपर मत जाना कि ये अदर स्टेट्स का है, इस वैकेंसी को मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अगर स्टेट्स के चक्कर में रहोगे तो फिर कोई जॉब नहीं मिलने वाला, बैठे रह जाओगे। क्योंकि आपको पता ही है, अपने स्टेट में अगर आप जॉब करना चाह रहे हो तो लिमिटेड वैकेंसी आती है, फिर आप लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है आपको जॉब भी ना मिल पाए। तो स्टेट की फिक्र मत करो, सिर्फ जॉब की बात करो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो आप जॉब्स के ये देखो, स्टेट मत देखो आप। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो क्या गया है, कि ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपने अगर कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होनी चाहिए, फाइनली जो है 1/7/2019 तक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होने वाला है, एज लिमिटेड जो है आप लोगों का 26 ईयर्स होने वाला है। 1/7/2019 तक अगर आपने 26 कंप्लीट कर रखा, मैक्सिमम एज है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर 2/7/1993 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो बात होगी एज लिमिट की, यानी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 26 ईयर्स रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। 600 रुपीज़ है, 600 रुपीज़ जो है जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए। अगर आप एससी या एसटी हो तो आपको ओनली 500 रुपीज़ पे करना होगा, 100 रुपीज़ का आप लोगों को कम पे करना होगा। उसके बाद जो है आप बात कर लेते हैं बाय ऑनलाइन टेस्ट टेटनी शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं, 3/8/2019 बेंगलोर में जो है, दिल्ली, धनबाद, हुबली, मंगलोर, मुंबई में जो है, ये सेंटर्स वगैरह हैं जहाँ पे आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स होगा, आप लोगों को अपना सेंटर सेलेक्ट करना होगा। एंड एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया, अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हो सैलरी की बात की गई है, सैलरी जो आप लोगों को मिलने वाला 37,000 रुपये सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है। एंड एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया डेट्स के बारे में। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो यहाँ पे आप डेट्स के बारे में देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट जो है 10/7 से स्टार्ट हो चुका है। एंड लास्ट डेट की बात करें, जो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, एंड फ़ी भी आपको पे करना है, वो 20/7/2019 तक करना है। आप लोग को जो है डाउनलोड एग्जामिनेशन कॉल लेटर आएगा, उसको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन करने के बाद। एंड आप लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, डिटेल्स गाइडलाइंस दिया गया है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पेमेंट फीस जो है वो पेमेंट पे करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना होगा। ये प्रोसीजर है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। उसके बाद जो है फोटोग्राफ्स वगैरह किस साइज़ का चाहिए, अभी मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पे ये जो पीडीएफ देख रहे हो आप, एक्चुअली मैं इसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके क्लियरली समझ सकते हो। बट जो मेन मेन चीज़ें इसमें दी गई है, उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ताकि जो भी आप लोगों का डाउट्स हो, वो डाउट्स क्लियर हो सके। मैंने फ़ीस के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो ये बता दिया मैंने आप लोगों को। एंड यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया मैंने, ये टोटल जो है 8 पेज का पीडीएफ है। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड जरूर कर लेना। एंड आप लोग स्टेट मत देखना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टेट के चक्कर में फंस के
रह जाते हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, तो स्ट्रेस के चक्कर में मत रहना, कोई इशू नहीं, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा टाइम देने के बाद। अगर आप वाकई में इस जॉब्स के लिए इंटरेस्ट हो तो अप्लाई करना। फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि और भी जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, डायरेक्टली सब मेंशन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हुआ है। एंड अगर वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया, जॉब पसंद आया, तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों की तरह और भी इससे इंटरेस्टिंग वीडियोज़, इंटरेस्टिंग जो भी जॉब्स आती है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाओ। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मैं किसी नई वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, किसी नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।